नरसिंहपुर जिला जाडव समाज इमलिया करेली के द्वारा प्रतिभा सम्मान एवं डर किस बात का पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके लेखक युवा मुकेश सिंह एवं प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं युवा उद्यमियों का मां नर्मदा पुत्र देवेंद्र सिंह पटेल गुड्डू भैया द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर लाखन सिंह कार्यकारी जिला अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र रघुवंशी, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका करेली, भाजपा जिला महामंत्री पूर्व पार्षद शंकरलाल चौधरी, पूर्व वरिष्ठ पार्षद मनोहर ठाकुर, जिला अध्यक्ष महिला सेवा दल पूर्व पार्षद श्रीमती प्रीति शर्मा मिश्रा, देवेंद्र पाठक, ओपी कौशिक मंडल प्रबंधक वन विकास निगम सूरज ठेकेदार एवं जाडव समाज के वरिष्ठ समाज सेवा से जुड़े सभी नागरिकों की उपस्थिति रही। स्वयं की प्रगति के लिए तो हर कोई व्यक्ति कार्य करता है, पर समाज की प्रगति, समाज के उत्थान, समाज के दुख सुख में जो भी व्यक्ति काम करता है, अपना योगदान देता है, इतिहास में उसका नाम रहता है। जैसे भीमराव अंबेडकर जी आपके सामने हैं। तीन बातें हैं। एक समय हुआ करता था कि ताकत के बल पर लोग राज किया करते थे, उसके बाद समय आया संपत्ति के बल पर लोगों ने राज प्रारंभ किया। आज का जो दौर है, दुनिया को अगर आप देखना चाहेंगे तो शिक्षा और ज्ञान से ही आप दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं और अपना जीवन का उद्धार कर सकते हैं। शिक्षित बनिए, शिक्षा प्राप्त करिए, गुणवान बनिए, चरित्रवान बनिए, दुनिया में नाम कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शिक्षा का उद्देश्य गुणवान बनना होना चाहिए। जब आप गुणवान हो जाएंगे और चरित्रवान होंगे तो स्वाभाविक है समाज का, देश का उद्धार करेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सभी प्रतिभाओं को जो आज यहाँ सम्मानित हुई, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई मुकेश को बहुत बहुत बधाई, आगे ऐसे ही आप अपने विचारों से समाज को प्रभावित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। आप लोगों ने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, सम्मान दिया, इसके लिए आयोजकों के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।